आज के इस वीडियो में बहुत आसान तरीके से बिल्कुल हलवाई जैसे लच्छेदार नमक पारी की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा खस्ता बने हैं, अंदर तक पके हैं। तो जब भी छोटी मोटी भूख सताए, शाम की चाय हो या फिर कोई त्यौहार हो, आप इसे बना सकते हैं। एक बार बनाए महीने दिन तक खाए, आपको बहुत पसंद आएगा। इस क्रिस्पी स्नैक को बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन के ऊपर रखिए स्ट्रेनर, उसमें डालिए 2 कप मैदा। आप चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल बाजार जैसा बनाना बता रही हूँ, इसलिए बस यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक बार छान लीजिए। अब इसमें डालिए 1/2 छोटी चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच मंगरेल यानी कलौंजी, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालें। 1/2 छोटी चम्मच जीरा और 4 चम्मच ऑयल। वैसा तेल का इस्तेमाल करें जिसमें स्मेल ना हो, सरसों तेल बिल्कुल भी ना डालें। सारे सामग्री को अच्छे से मिला लीजिए। तो अगर आप इस तरीके से हाथों में लेंगे तो देखिए हल्का सा बाइंड हो रहा है, यानी बंध रहा है, पूरी तरीके से नहीं बंध रहा है। तो बस इतना ही हल्का हमें मोयम डालना है। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते हुए टाइट डो तैयार करते हैं। मैदा बहुत तेज़ी से गीला होता है, इसलिए पानी संभल के डालें, क्योंकि ज़रा भी गीला हो जाएगा तो बनाने में बहुत परेशानी आएगी। और अगर गलती से गीला हो भी जाता है दोस्तों, तब भी टेंशन की बात नहीं है, आप ऊपर से थोड़ा सा सूखा मैदा डाल लीजिएगा। इस डो को बनाने में 1/2 कप पानी का हमने इस्तेमाल किया है। पानी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ml में देखें तो 125 ml। तो इसी तरीके से टाइट डो होना चाहिए, तो आटा थोड़ा फूल जाए और सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम 15 मिनट रेस्ट पे रखते हैं। 15 मिनट हो चुका है। अब हम एक बार इस तरीके से मिला लेते हैं। तो देखिए मैं आपको हाथों में ले के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट है आटा और बहुत सख्त है। तो किचन सरफेस पे चिकना कर लेते हैं और इस तरीके से करके हम 2 भागों में बांट लेते हैं। अब एक भाग को फिर से चिकना करें, हाथों से गोल करने के बाद हम बेल लेते हैं। तो हमने फैला लिया है और मैं इसे आपको हाथों में लेके दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपका है और मैदा है तो खिंचाव होगा। हम थोड़ा सा फैला लेते हैं। तो देखिए हमने हल्का सा ओवल शेप में बेल लिया है। अब हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। तो तेल हम इसलिए लगाएंगे दोस्तों क्योंकि हमें लेयर्स बनाने हैं और ये सादे वाले नमक पारे से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चम्मच से भी फैला सकते हैं या हाथों से। और अब हम इस पे मैदा से डस्टिंग करेंगे इस तरीके से, और हाथ या चम्मच से इस तरीके से हम चारों तरफ फैला लें ताकि लेयर बन पाए। और अब लेयर बनाने के लिए हम फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से आधा और इस तरीके से दोनों को बराबर कर ले। हमने मोड़ लिया है, मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। अब हम फिर से सेकंड टाइम ऑयल लगाएंगे और फिर से लेयर बनाने के लिए हम थोड़ा सा मैदा से डस्टिंग करते हैं और इस तरीके से फैला लेते हैं। और अब हम दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे, इधर से और इधर से। देखिए स्क्वायर पराठा की तरह हमें फोल्ड करना है बराबर से। हाथों से दाब लीजिए और अब हम फिर से बेलेंगे हल्के हाथों से। तो लंबाई में हमें बेलना है दोस्तों। मैं तो लेयर नमक पारे आपको बनाना बता रही हूँ, लेकिन आप इसमें ऑयल की जगह बटर लगा करके या घी लगा करके बेक भी कर सकते हैं। इसका प्रोसेस बिल्कुल खारी की तरह है। पफ पेस्ट्री की भी तैयारी ऐसे ही होती है, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए हमने बेल लिया है, मैं इसकी आपको मोटाई दिखाती हूँ। हम फिर से ऑयल लगाएंगे। बहुत आसान है दोस्तों इसे बनाना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, इसलिए आपको शायद ऐसा लगे कि हार्ड होगा,
लेकिन बस इसे फोल्ड करते जाना है, मेहनत ज़रा भी नहीं है। और फिर से मैदा से डस्टिंग कीजिए और अब हम इसे इस तरीके से आधा फोल्ड करेंगे। हाथों से दाबते भी जाए वरना लेयर खुल सकता है, और दूसरी तरफ से भी फोल्ड करके इसके ऊपर चढ़ा देंगे। इस तरीके से हाथों से दाब लीजिए। तो मैंने बस 3 फोल्ड किया है, आप चाहें तो और भी ज़्यादा लेयर बना सकते हैं। अब हम बेलन से हल्के हाथों से बेल करके थोड़ा पतला कर लेते हैं। देखिए मैं किस तरीके से बेल रही हूँ। हमने बेल लिया और अब हम पीसेस में काटेंगे, तो आधा आधा इंच हमें काटना है ना, बहुत ही आसान। एक बार बनाए और ठंडे हो जाने के बाद एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए और महीने दिन तक खाइए। तो मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ, तो देखिए कितने अच्छे से लेयर आपको दिख रहा होगा, और ये सारे लेयर तेल में जाते के साथ खुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ दोस्तों, कि ये देखिए ये जो किनारा है ना, अगर आपको ऐसा लगे कि खुल जाएगा तो हाथों से हल्का सा दाब लीजिएगा ताकि तेल में जाते के साथ ना खुले, हल्का सा। तो इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे, या फिर जब आप फर्स्ट बैच फ्राई कीजिएगा तो सेकंड बैच बेल के तैयार कर लीजिएगा। तो फर्स्ट बैच को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने तेल चढ़ाया है पैन में, आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तेल हल्का गर्म चाहिए, फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। मैं एक छोटा सा टुकड़ा डाल के दिखाती हूँ, तो देखिए छोटे छोटे बबल्स आ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना हल्का गर्म होना चाहिए। अगर तेल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना दोस्तों, तो फिर अंदर से कच्ची कच्ची रह जाएगी और फिर लेयर्स खुल नहीं पाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं हो पाएगा। तो आज का विशेष ख्याल रखें। अब हम एक एक करके नमक पारे को डालते हैं, बहुत भर भर के नहीं डालिएगा वरना इसको जगह ही नहीं मिल पाएगा लेयर खोलने के लिए। तो थोड़ा खुला रखिएगा, और जितना साइज आपको अभी दिख रहा है ना, इससे बड़े बड़े हो जाएंगे। तो आपको टोटल 12 मिनट का टाइम लगेगा। तो 2 बैच में हम फ्राई करेंगे, फर्स्ट बैच मैंने डाल दिया है और स्पैचुला बिल्कुल भी अभी नहीं डालना है। इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होने दें, मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। 5 मिनट हो चुका है, हम चम्मच या कांटा से इस तरीके से उलट लेते हैं, तो कलर आप देख सकते हैं कितना लाइट आया है पीछे से। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए बढ़ा लीजिएगा, यानी लो टू मीडियम कर लीजिएगा। एक दो बातें आपको समझाती चलूँ, जब हम लेयर बना रहे थे, यानी जैसे ही हमने रोटी बेला फिर तेल लगाया, तो तेल अच्छे से लगाइएगा। अगर आप कम लगाइएगा तो वो अच्छा नहीं बन पाएगा। और जब हम चाकू से काटेंगे लच्छे को, पीसेस को, तो उससे पहले बेलन अच्छे से चलाइएगा ताकि सारे लेयर्स एक दूसरे में जाके चिपक जाए। तो देखिए हमने दोनों तरफ से उलट लिया है, और पीछे से भी हम 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों दोनों तरफ से बहुत ही क्रिस्प हो चुका है, टोटल आपको 10 से 12 मिनट का बस टाइम लगेगा। और जिस तरीके से हमने फर्स्ट बैच फ्राई किया है, उसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो है ना बहुत ही आसान, और मैं इसे आपको टिश्यू पेपर में भी लपेट के दिखाऊंगी, बिल्कुल भी तेल नहीं सोखता है। तो रोज़ रोज़ नाश्ता बनाने का मन भी नहीं करता है, और अगर आप सूजी आलू पोहा के नाश्ते से बोर हो गए हैं तो इस नाश्ते को ज़रूर बनाएं, क्योंकि एक ही बार मेहनत लगेगा और महीने दिन तक आप खा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको कम बताया है, आप आधा किलो कभी बना सकते हैं, और गेहूं के आटे से भी इतना ही बढ़िया बनेगा। तो दोस्तों अभी हमने टिश्यू पेपर पे भी नहीं लपेटा है, और ये काफ़ी गर्म है, लेकिन मैं आपको अभी दिखाती हूँ ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो प्लेट में निकाल लेते हैं, बहुत ही क्रिस्प बना है। और इसी तरीके से हम सेकंड बैच भी फ्राई कर लेंगे। लीजिए दोस्तों तैयार है हमारा बहुत ही क्रिस्पी, आसान, मज़ेदार टी टाइम स्नैक। तो ये लेयर वाले नमक पारे आप खाएंगे ना, तो आपका फेवरेट स्नैक हो जाएगा।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से रख दिया है ताकि आपको एक एक लेयर, एक एक परत अच्छे से दिखे। तो मैं आपको टिश्यू पेपर पे भी लपेट के दिखा देती हूँ क्या ये ऑयली है। तो निश्चिंत होकर के खाइए, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ठंडे होने के बाद आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ और हर एक लेयर बहुत ही अच्छे से पका है और जब पकेगा ना तभी क्रिस्प होगा। सारे लेयर अलग है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। कैसा बना कमेंट करके बताइएगा।